सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर आज कांग्रेस की जानिब से जिला कलेक्टर औरंगाबाद पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कल्याण काड़े, डॉक्टर उस्मानी, मोहसिन अहमद, इब्राहिम पठान के अलावा दीगर कांग्रेसी लीडरान मौजूद थे। उस्मानी, डॉक्टर उस्मानी और कल्याण काड़े ने प्रेस को भी संबोधित किया। देखिए इस मौके की झलकियां। और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे नेता सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहेब थोरात, इनके निर्देश पर और जनता के प्रश्नों को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी औरंगाबाद और शहर जिला कांग्रेस कमेटी औरंगाबाद की तरफ से माजी मंत्री अनिल पटेल जी, कल्याण काड़े जी, प्रकाश मुक्तिया जी, इब्राहिम पठान जी और सारे मान्यवर, विलास बापू होताड़े जी और सारे मान्यवरों की नेतृत्व में आज ये निदर्शन करने आए हैं। हम लोग जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार का निषेध करते हैं कि कोरोना के ऐसी परेशानी के समय जब मजदूरों के पास काम नहीं, व्यापारियों के कई महीनों से व्यापार बंद हैं, किसान परेशान हैं, लोगों को अपने बच्चे तक बेचने पड़े, हमको पता चला मीडिया के जरिए कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, ऐसे समय में भी सरकार के दिल ये नरम नहीं पड़े जनता के लिए, इनके दिल नहीं पसीचे। और 19 दिन से हम देखते आ रहे हैं कि लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हमने देखा कि मनमोहन सिंह सरकार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो आज भाव है उससे ज़्यादा भाव थे कच्चे तेल के, लेकिन फिर भी आज के भाव के मुकाबले उस जमाने में आधे भाव में कांग्रेस सरकार ने डीजल पेट्रोल देने का काम किया। आज 25 से 30 रुपए के अंदर ये डीजल और पेट्रोल सरकार हमको दे सकती है, लेकिन फिर भी भारत की जनता के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसे आखिर क्या गुनाह किया जनता ने ये सरकार को चुनकर, उनके वादों पर भरोसा करके जो जनता के साथ ये दूजा व्यवहार किया जा रहा है। 56 इंच का सीना अगर दिखाना है तो देश के उन दुश्मनों को दिखाएं जो देश की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जनता, हिंदुस्तान की जनता के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये नरम दिली से व्यवहार करेंगे और जनता के प्रति और नरम रवैया अपनाकर जनता को राहत देंगे, और अगर नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आंदोलन और तेज़ होगा। आज तो सिर्फ ये एक झांकी है, अगर नहीं करेंगे तो आंदोलन अभी बाकी है। सर आज काय आंदोलन? आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने जे सूचित केलं आदरणीय सोनिया गांधीजी, ज्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आहेत, आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेबांनी आम्हाला सूचना दिल्या की भारतामध्ये किंबहुना महाराष्ट्रामध्ये ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झाली, जे पेट्रोल आणि डिझेल अवघा 25 आणि 35 रुपयांना मिळायला पाहिजे ते आज आपल्याला 70, 80, 90 रुपये लिटरपर्यंत होऊ घातलेलं आहे। आणि म्हणून जनता, गरीब माणसं एकीकडे करोनाने भरडत चालली, दुसरीकडे महागाईने भरडत चालली, अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही महामहिम राष्ट्रपती महोदयांना विनंती करायला, एक निवेदन देण्यासाठी देशभरामध्ये काँग्रेस पक्षाने निदर्शनं करणे, आंदोलनं करण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटी तसेच औरंगाबाद जिल्हा शहर काँग्रेस कमिटी आमच्या वतीने आज आम्ही इथे मोठ्या प्रमाणात सोशल डिस्टन्स पाळून, कोरोनाचं सोशल डिस्टन्स पाळून आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं धरणे आंदोलन घेण्याचा कार्यक्रम केलाय। आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आमचे प्रकाश भाऊ मुगदिया, माजी मंत्री अनिल पटेल साहेब, उपाध्यक्ष प्रकाश भाऊ मुगदिया साहेब, त्याचबरोबर आमचे शहर अध्यक्ष उस्मानी साहेब, त्याचबरोबर या सगळ्या मंडळीच्या नेतृत्वाखाली आम्ही इथं अनेक आमचे इब्राहिम पठाण साहेब यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आणि औरंगाबाद शहरामध्ये एक निदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला। हेतू एकच आहे की काँग्रेस पक्ष हा जनतेकरता, आम आदमीकरता लढायच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे। खऱ्या अर्थाने पेट्रोल आणि डिझेलची भाव
फार मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झालेली आहे आणि ती कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारला जागता येत नाही, पण किमान महामहिम राष्ट्रपतीला सांगावं आणि आमची दुखणी तिथं जाऊन तरी सोडवावे ही भूमिका आमच्या नेते आदरणीय सोनिया गांधींनी आणि आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेबांनी घेतलेली असल्यामुळे आम्ही इथून पुढच्या काळात हे आंदोलन अजून तीव्र करणार आहोत. आज फक्त आम्ही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 50 लोक येऊन सनदशीर मार्गाने आंदोलन केलं आहे, त्याच्यानंतर मात्र आमच्या या जर भाववाढ कमी झाली नाही तर इथून पुढच्या काळात केंद्र सरकारच्या लोकांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही अशा पद्धतीची भूमिका शहर काँग्रेस कमिटी आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद.